रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सुनील दत्त साहब के डायलॉग के साथ उन अभिनेता अभिनेत्रियों की बात की जाएगी जिन्हें सुनील दत्त साहब ने अपनी फिल्म कंपनी अजंता आर्ट्स के जरिए फिल्मों में पहला ब्रेक दिया था, और उन कलाकारों की भी बात की जाएगी जिन्हें सुनील दत्त साहब ने फिल्मों में काम दिलवाने में मदद की थी। हिंदी फिल्मों के महानायक सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को भी सुनील दत्त साहब ने ही अपनी फिल्म कंपनी अजंता आर्ट्स के जरिए पहला ब्रेक दिया था। अमिताभ बच्चन ने पहली फिल्म सुनील दत्त साहब की होम प्रोडक्शन फिल्म रेशमा और सेरा साइन की थी। दोस्तों, अमिताभ बच्चन जी की माताजी तेजवंत कौर बच्चन उर्फ तेजी बच्चन जी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के काफ़ी करीब थी, इसलिए इंदिरा गांधी जी ने अमिताभ बच्चन के लिए नरगिस दत्त के नाम एक पत्र लिखा। इंदिरा गांधी जी के लिखे पत्र को लेकर अमिताभ बच्चन मुंबई में नरगिस दत्त के पास गए, तो नरगिस दत्त जी ने अमिताभ बच्चन को पहले बीआर चोपड़ा से मिलवाया और फिर डायरेक्टर मोहन सहगल से मिलवाया और स्क्रीन टेस्ट लेने को कहा, लेकिन कहीं भी बात नहीं मिली। तब सुनील दत्त साहब ने अमिताभ बच्चन से वादा किया कि आप मेरी अगली फिल्म रेशमा और सेरा में काम करेंगे। दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने पहली फिल्म दत्त साहब की रेशमा और सेरा साइन की थी, दूसरी फिल्म सात हिंदुस्तानी साइन की थी, मगर सात हिंदुस्तानी रेशमा और सेरा से पहले रिलीज हो गई थी। आरामजादे, कान खोल कर सुन ले, अब उस मूर्ति का रखवाला बिरजू है। अगर तुम्हारे किसी भी आदमी ने उस मूर्ति की तरफ आंख उठा के देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। दोस्तों, लीजेंडरी अभिनेता धर्मेंद्र जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वे फिल्मों में आने की सोचा करते थे तब धर्मेंद्र जी ने अपनी माता जी के कहने पर फिल्म फेयर के टैलेंट कंटेस्ट में भाग लेने के लिए अपनी फोटोग्राफ्स और एप्लीकेशन भेजी, तो फिल्म फेयर के टैलेंट कंटेस्ट में सुनील दत्त साहब और नरगिस दत्त जी वहाँ पर उपस्थित थे। तब सुनील दत्त साहब ने धर्मेंद्र जी की फोटोग्राफ्स टैलेंट कंटेस्ट में भाग लेने के लिए सिलेक्ट की थी। तो फिर मैंने अपनी माँ से कहा डरते डरते कि बीबी मैं एक्टर बनूँ, वो कहने लगी कि धर्मेंद्र आहिस्ता बोल, तेरे साथ तेरे बाबूजी मुझे भी घर से निकाल देंगे। तो मैं चुप कर गया और मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ के, पता नहीं माँ का दिल तो माँ का ही होता है, कि धर्म तुम अर्जी क्यों नहीं भेज देते बेटे, अर्जी भेज दो, तुम्हें बुला लेंगे, तुम अच्छे हो देखने में। तो मैंने कहा कि मैं सोचा बेचारी कितनी सिंपल है मेरी माँ, अर्जी से इतनी ये काम नहीं होते, जाना ही पड़ता है, स्ट्रगल थोड़ी करनी पड़ती है। खैर, मुझे लगा कि मेरी माँ की ये आवाज़ भगवान ने सुन ली होगी और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। और जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल सब लिख के अपना सारा कुछ, कद काट, कितनी तालीम है, क्या है, अच्छी अच्छी फोटो खिंचवाई। मलेरकोटला में जान मोहम्मद को कहा, यार मेरी ऐसी तस्वीरें खींच दे कि बस मुझे बुला लें। यानी वे तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मैं हजारों लड़कों में से चुन लिया गया। तो ये मेरा मुकद्दर, मेरी शुरुआत ऐसे हुई। लेकिन फिल्म भी साइन हो गई और बड़े अच्छे डायरेक्टर थे बिमल रॉय जी, गुरुदत्त जी, जिन्होंने मुझे चुना था, और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी। तो उन्होंने मुझे बाद में बताया कि धर्मेंद्र तुम्हारी फोटो को हमने सिलेक्ट किया था। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे चुना। और फिर भी क्योंकि फिल्म बनने में वक्त लग गया तो स्ट्रगल करनी पड़ती। जाओ मेरे रास्ते से, जो जंगलों में रहते हैं और जिंदा रहना चाहते हैं वो शेरों का रास्ता नहीं। लाखन, ये मुझे जबरदस्ती ले जा रहा है। लाखन के इलाके में सिर्फ एक ही चीज का गुजर नहीं होता शेरा, जबरदस्ती का। जर सन और जमीन उसकी होती है लाखन, जिसके बाजरों में जोर होता। और मुझे भी देखना है शेरा के जोर कितना बाजू है कातिल में।
1969 में सुनील दत्त साहब ने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी मन का मील। इस फिल्म में सुनील दत्त जी ने तीन नए कलाकारों को इंट्रोड्यूस किया था, विनोद खन्ना, लीना चंदावरकर और सोम दत्त। फिल्म हिट रही और विनोद खन्ना और लीना चंदावरकर को नई फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। 1966 में विनोद खन्ना कॉलेज में थे। सुनील दत्त साहब ने विनोद खन्ना को एक पार्टी में देखा और उन्हें अपनी फिल्म मन का मीत में एक भूमिका की पेशकश की। विनोद खन्ना जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि सुनील दत्त साहब मेरे कॉलेज टाइम से ही मेरे आदर्श और फेवरेट हीरो रहे। दोस्तों, विनोद खन्ना जी ने राजनीति में आने के बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था उनकी पार्टी ने उन्हें मुंबई के उत्तर पश्चिमी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस सांसद और अभिनेता सुनील दत्त के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा था, जिसे विनोद खन्ना जी ने ये कहकर ठुकरा दिया था कि सुनील दत्त साहब मेरे आदर्श हैं। क्यों? अरे काम ही काम है। हाँ बापू, ये रामू बड़ा काम चोर है। 8 जमात क्या पड़ गया कि इसका भेजा आसमान पे चढ़ गया। बिरजू कौन? अरे बापू, बिरजू से कह के अपनी मूछ मुंडवा ले। चुप है। मूछ मुंडवा ले। दूध ही पिलाओगे या खाना भी खिलाओगे? ले बापू, भोजन तैयार है। रामू तू भी ले। मक्खन लगाया? देख ले। दोस्तों, हिंदी फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने वाले अभिनेता रंजीत ने अपना फिल्मी सफ़र मोहन सहगल की 1970 की फिल्म सावन भादो से की थी। सावन भादो फिल्म में रंजीत ने अभिनेत्री रेखा के भाई का रोल किया था। तब रंजीत का नाम गोपाल बेदी था। सुनील दत्त साहब ने इनको अपनी फिल्म रेशमा और शेरा में साइन किया। तब गोपाल बेदी को सुनील दत्त साहब ने नया नाम दिया रंजीत। और लूट मार करने के जुर्म में तुम्हें 6 महीने कैद बा मुशक्कत की सजा दी जाती है। सेठ, ये आग तुमने लगाई है, लेकिन इसे बुझाऊंगा मैं। हिंदी फिल्मों के एक और प्रतिष्ठित खलनायक अमरीश पुरी जी को भी सुनील दत्त साहब ने ही पहला ब्रेक दिया था अपनी फिल्म रेशमा और शेरा में। अमरीश पुरी ने रेशमा और शेरा में रहमत खान की भूमिका अदा की थी। अमरीश पुरी के दो बड़े भाई चमनपुरी और मदनपुरी पहले से ही स्थापित कलाकार थे। अमरीश पुरी जब मुंबई पहुंचे तो वह अपने पहले स्क्रीन टेस्ट में असफल रहे थे। तब सुनील दत्त साहब ने ही अमरीश पुरी को अपनी फिल्म रेशमा और शेरा में रहमत खान की भूमिका के लिए साइन किया था। माँ और छोटू घर छोड़कर कहाँ चले गए? तुम बरादरी बाहर हो शेरा, मुझे तुम्हारी जवाबदारी का हक नहीं। पहले मेरे सवाल की जवाबदारी करो। चाचा, शेरा, मैं बताती हूँ, तेरी माँ छोटू को लेकर दुश्मनों के पांव चाट ले रेशमा की चौखट पर गई है। जा, अब छोटू का खून भी पी ले। फरीदा, खुदा का गजब हो। बॉलीवुड के एक और खलनायक शक्ति कपूर ने 1975 से छोटी छोटी भूमिकाओं से फिल्मों में अभिनय करना शुरू किया। उस समय शक्ति कपूर का नाम सुनील सिकंद कपूर था। शक्ति कपूर ने 1975 से 1979 तक लगभग 10 फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन शक्ति कपूर को कोई पहचान नहीं मिल पाई। उन्हीं दिनों शक्ति कपूर को जानकारी मिली सुनील दत्त साहब अपने बेटे संजय दत्त को लॉन्च करने के लिए रॉकी फिल्म के निर्माण की योजना बना रहे हैं। शक्ति कपूर और सुनील दत्त साहब ने एक साथ 1977 की फिल्म अहिंसा और जानी दुश्मन में एक साथ काम कर चुके थे, इसलिए शक्ति कपूर सुनील दत्त साहब के पास पहुंच गए। तब सुनील दत्त साहब ने शक्ति कपूर को सुझाव दिया कि आपका जो नाम है वह फिल्म के खलनायक के किरदार के साथ मेल नहीं खाता, इसलिए सुनील दत्त साहब ने सुनील सिकंद कपूर को नया नाम दिया शक्ति कपूर। जय बजरंग बली पादरे, लगता है तू हमको नहीं जाने हम कौन है पादरे। जानता हूँ, तू एक बुजदिल डाकू है। अपने चमचों से कहो के बंदूकें फेंक दें। मर गए मारने वाले।
दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। थैंक यू।